हेलो फ्रेंड्स, आज योजना पार्ट टू में देखेंगे कि सितंबर 2017 की योजना में कौन कौन से जो टॉपिक्स थे वो बाकी रह गए थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जिसमें मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, फाइनेंसिंग एंड रियल इस्टेट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन ऑफ योजना और पीएम का जो एड्रेस था 15 अगस्त का, उसके जो की पॉइंट्स थे, ये सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर कर लिए थे। लगभग 70% भाग उसका कवर हो चुका था और आज 35 से 40% भाग, 30 से 35% भाग सही रूप में कहा जाए तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक तो है हाउसिंग द पुअर इन स्मार्ट सिटीज़, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर हाउसिंग फॉर ऑल, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउसिंग फॉर ऑल है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो इसका ग्रामीण भाग है उसका देखना है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मोस्टली जो भी डेटा या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जैसे कि कितने घर बनेंगे, कितना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, कितनी घरों की ज़रूरत होगी, कितनी इंडस्ट्रीज से ज़रूरत होगी, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये लगभग लगभग फर्स्ट पार्ट में कवर हो चुका है। और उसी चीज़ वही डेटा बार बार हर एक आर्टिकल में रिपीट हो रहा है। तो मैं जिन जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट पार्ट देख लें और उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखें, क्योंकि वही कंटिन्यूटी वही रहेगी और उसके बाद ही अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ये हार्डली 10 से 15 मिनट का हमारा लेक्चर रहेगा सेकंड पार्ट का, क्योंकि मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं। तो ये इसमें बेसिकली तीन टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं, हाउसिंग द पुअर इन स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ड्यूरेबल एंड क्वालिटी हाउसेज इन द रूरल एरिया। तो जब हम पुअर्स को जब स्मार्ट सिटीज़ में डालते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 18.78 मिलियन जो कि हाउस की रिक्वायरमेंट 2022 तक बनाने की है, उसका 95% हिस्सा, मतलब एज पर दी सेंसस ऑफ 2011, 18.78 मिलियन हाउसेज आर इन द शॉर्टेज, और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 तक अर्बन एरिया में 2 करोड़ घर बनाने की बात कही है। ठीक है, अब उसी के आगे यहाँ पे देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन अभी कितनी है, 377 मिलियन 2011 में, जो कि 600 मिलियन हो जाएगी 2030 में। और इसका जो बर्डन है वो क्लास वन सिटीज़ पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्लास वन सिटीज़ ही ऐसी जगह है, डेस्टिनेशन है माइग्रेशन का, क्योंकि वहीं पे जॉब है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन इतनी है 2011 में, और 2030 में 600 मिलियन हो जाएगी क्लास वन सिटीज़ पे, जिनका जिनका पॉपुलेशन अभी 1 लाख से ज़्यादा है, उनको क्लास वन सिटीज़ कहते हैं, उन्हीं के ऊपर बर्डन ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए हमें स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्मार्ट सिटीज़ बेसिकली हैं क्या? स्मार्ट सिटीज़ वो हैं जिनके अंदर एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसेंट होगी, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, और स्मार्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल होगा। सोल्यूशन स्मार्ट है, क्योंकि एक स्मार्ट अगर नाम लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो स्मार्ट होगा ना। तो स्मार्ट सोल्यूशन के थ्रू हम एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जिसके द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसेंट होगी, क्लीन और इन्वायरमेंट, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, और ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा। एक पॉइंट और भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, इन अ सस्टेनेबल मैनर। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल के लिए, वो एक सस्टेनेबल होगा। अब ये जो सिटीज़ हैं वो दो तरीके से डेवलप हो सकती हैं, या तो एरिया बेस्ड प्लान ले सकते हैं या पैन सिटी प्लान ले सकते हैं। एरिया बेस्ड प्लान्स क्या है कि सिटी के अंदर का एक एरिया पकड़ लिया और वहाँ पे हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया, और पैन सिटी का मतलब है पूरे शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया। अब दूसरा ऑथर, ये इस आर्टिकल का ऑथर ये कहता है कि स्मार्ट सिटी प्लान और अमृत, ये दोनों जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो दोनों स्कीम्स तो हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी पे इनका ज़्यादा फोकस, अफोर्डेबल हाउसिंग पे इनका ज़्यादा फोकस नहीं है। हालांकि स्मार्ट सिटी में एक एलिमेंट हाउसिंग का है, अफोर्डेबल हाउसिंग का है, बट इनका उस पे ज़्यादा फोकस ही नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि स्मार्ट सिटीज़ और अमृत, ये दोनों जो स्कीम्स हैं,
वो कन्वर्ज हुए और अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ इनका कन्वर्जेंस होगा, तो काम भी आसान रहेगा और लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। फिर इन सिटू रीडेवलपमेंट, मतलब कि सिचुएशन जहाँ पे है उसी जगह को रीडेवलप करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रांजिट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ट्रांजिट एकोमोडेशन अवेलेबल हैं तो रीडेवलपमेंट एक हद तक किया जा सकता है, और जहाँ पे भी किया जा रहा है वहाँ पे ट्रांजिट एकोमोडेशन दिलाए जाने चाहिए। क्योंकि अगर ट्रांजिट एकोमोडेशन नहीं दिलाएंगे हम उनको तो, और मान लीजिए ट्रांजिट एकोमोडेशन हमने ऐसा दिला दिया कि आज हम यहाँ पे इसको रीडेवलप कर रहे हैं और हम 50 किलोमीटर दूर उनको जा करके ट्रांजिशन में बसा रहे हैं। मान लीजिए हम 6 महीने के लिए इस प्लेस को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ से हम गरीब को, पुअर को, LIG ग्रुप को 50 किलोमीटर दूर ले जा करके कर रहे हैं, सिटी 1 में जगह तो होती नहीं है, क्लास 1 सिटी में, तो फिर अगर 50 किलोमीटर दूर है तो उसका लाइवलीहुड इम्पैक्ट कर गया ना, तो ट्रांजिशन किस तरीके से करना है उस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, घर ऐसा बनेगा जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल है, ऐसा नहीं कि केवल कमरे बना बना करके छोड़ दिए गए, या जस्ट एक प्रधानमंत्री आवास योजना है पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है तो हमें नंबर्स पूरा करना है, जस्ट टिक मार्क एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। प्राइवेट सेक्टर का जनरली अप्रोच इन सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ही पुअर होता है, या लैकेडेसिकल एटीट्यूड होता है, क्योंकि पुअर्स जनरली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या उन पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं होती प्राइवेट सेक्टर की। तो कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को पुअर्स के साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच या पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रमोट करनी पड़ेगी। फिर ये एक चीज़ और ऑथर ने हाईलाइट की है, वो कह रहा है कि केवल घर बनाने से ही काम नहीं चलेगा, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जिनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन शहरों में रहना है, क्लास 1 सिटीज़ में, उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग भी उतनी ही प्रॉमिसिंग दिखती है। उसके बाद ऑथर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता है, जो कि ऑलरेडी हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में देखी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ये दूसरा टॉपिक बचता है उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, एक ये पूरी स्कीम को सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन केवल 22% रोल प्ले कर रहा है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल करके चल रहे हैं, या अनऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रांसपोर्टेशन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अंडर यूटिलाइज्ड है, प्लस साथ ही साथ ट्रैफिक भी है, तो इसको थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखिए प्रेशर क्लास 1 सिटीज़ पे है, क्योंकि 2/3 अर्बन पॉपुलेशन, जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है उसका 2/3 केवल क्लास 1 सिटीज़ में रह रही है, क्लास 2 सिटीज़ और क्लास 3 सिटीज़ में रह ही नहीं रही, केवल 1/3 पॉपुलेशन वहाँ रहती है अर्बन पॉपुलेशन, इसलिए इस पर प्रेशर भी ज़्यादा है। प्लस अभी देखिए दूसरा पॉइंट है वाटर अवेलेबिलिटी का, ड्रिंकिंग वाटर की वो रहती नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं रहता है, बहुत सारी जगहों पे देखिए बीमारियां फैल जाती हैं। फिर सैनिटेशन एंड सीवेज सर्विसेज, अब बहुत सारे इस आंकड़े के हिसाब से लगभग 70 से 80% सिटीज़ में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिटी डोंट हैव नेटवर्क, सीवेज नेटवर्क। तो जब अगर मेजर पोर्शन शहर का सीवेज पोर्शन मतलब सीवेज नेटवर्क में नहीं रहेगा तो सैनिटेशन और हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में बहुत जल्दी डेंगू फैल जाता है, बहुत जल्दी कूड़े की समस्या होने लगती है, बहुत जल्दी वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है। सो दिस इज ऑल बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर सीवेज नेटवर्क। सो बिफोर हाउसिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर, हेल्थ फैसिलिटी को भी ठीक करना पड़ेगा, हाँ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज तो अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक जो है वो है बिल्डिंग ड्यूरेबल हाउसेज इन रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया की बात करते हैं, अब ये 3/4 पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया में रहती है भारत की। ऑथर ये कहता है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी 1996 में, जो कि टारगेटेड थी जो बिलो पावर्टी लाइन के
के थे उनके ऊपर। और ये इस योजना में बहुत हद तक प्रॉब्लम को ठीक भी किया, लेकिन इसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, इसीलिए थोड़े से गैप्स रह गए, गैप्स रह गए। और उन गैप्स को फिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मतलब उसका आयोजन किया गया है, लॉन्च किया गया है अप्रैल 2016 से। इसका लक्ष्य ये है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। लक्ष्य ये है कि 3 करोड़ हाउसेस बनाए जाएंगे, 1 करोड़ 2016-17 से लेकर 18-19 तक। और उसके बाद जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बाद में सेकेंड स्टेज का कितना टारगेट रहेगा वो रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का टारगेट है 2 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का टारगेट है 3 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ 17 से लेकर 19 तक बनाया जाएगा 2019 तक। अब इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं। एक तो नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी NTSA का एक प्रोविज़न किया गया है, जो कि नेशनल लेवल पे सेटअप की जाएगी, जो कि देखेगी। दूसरा, स्कीम मॉनिटरिंग कैसे होगी, MIS आवास सॉफ्ट। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन की है, वो है MIS आवास ऐप। तो ऐप जो है वो मोबाइल के लिए है और सॉफ्ट जो है वो डेस्कटॉप के लिए है। मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि जो बेनिफिशियरी है उसको 1,20,000 प्लेन एरिया के लिए और 1,30,000 डिफ़िकल्ट टेरेन के लिए, डिफ़िकल्ट एरिया के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन ठीक है यहाँ तक ऑथर तारीफ़ करता है, उसके बाद कहता है लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट को इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अब इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, जब हाउस की बिल्डिंग होनी चाहिए तो उनकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि स्पेस हो उसमें लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि किसान हैं या गरीब हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, जिसमें उनका कुछ न कुछ अलग दूसरा काम चलता रहता है। कॉटेज इंडस्ट्री का कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, साइड बाय साइड वो करते रहते हैं। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक प्रोविज़न होना चाहिए और बरामदा होना चाहिए, क्योंकि इन सब होने से एनर्जी एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। चौथा पॉइंट, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने मनरेगा को अलाउ कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे एक कन्वर्जेंस मिल रहा है, रूरल हाउसहोल्ड जो जो सॉरी जो रूरल वर्कफोर्स है उसको वहीं पे लेबर मिल जा रहा है, मतलब लाइवलीहुड मिल जा रहा है, 100 दिन का काम मिल जा रहा है, और दूसरा घर बन जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसेस। गवर्नमेंट को और भी दूसरी स्कीम के साथ इसका कन्वर्जेंस कर लेना है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब इसमें जो है सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात अगर करें तो अच्छा हो सकता है। देन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, अगर इसमें इसके साथ कन्वर्जेंस किया जा सकता है। तीसरा प्रोग्राम और चल रहा है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इसके साथ भी इसका कन्वर्जेंस कर सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर का लाइटनिंग और एनर्जी, फिर नेशनल बायोमास कुक स्टोव प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम्स के नाम थे। ऑथर ने थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है कि इनके साथ कन्वर्जेंस करें, एक साउंड लैंड पॉलिसी बनाए हर स्टेट, ताकि रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट अच्छी तरीके से हो सके। घरों को बनाते वक्त लोकली रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, इससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। और 5,000 ग्रामीण जो मेसन्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी घर बनाने के लिए, वो स्किल इंडिया के तहत अगर हो जाए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फिर सारी स्कीम्स एक दूसरे से कन्वर्ज हैं और एक दूसरे का कन्वर्जेंस होने की वजह से सिनर्जिक इफेक्ट आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है। सो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो ये दो तीन टॉपिक्स जो बचे हुए थे वो भी सामान्य थे, कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक्स नहीं थे, हालांकि तब भी छूट गए थे, तो इसको मैंने अपने सेकेंड पार्ट में कवर कर लिया है। अब इसमें योजना मैगजीन में बहुत छोटी सी बात बची है, जिसको कि मैं नहीं इसमें शामिल किया है। एक तो ये कि गांधी जी के बारे में है, डू और डाई की, जो उन्होंने एक नारा दिया था वो कैसे था। और दूसरा ये है कि हिस्ट्री ऑफ
कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि सॉरी कोऑपरेटिव हाउसिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग की हिस्ट्री बताई गई है. सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट इट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, अदर टॉपिक्स ऑल्सो. और संकल्प से सिद्धि के बारे में है कि किस तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनेगी. सो आई थिंक लार्जली वी हैव बीन एबल टू कवर योजना ऑफ सेप्टेम्बर सक्सेसफुली एंड अच्छी तरह से कवर हो चुका है. आप दोनों पार्ट्स देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. और फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस है क्योंकि उस पार्ट में सारे ही टॉपिक्स बहुत ही रेलेवेंट हैं. सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है क्योंकि टॉपिक्स और डेटा जो है फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर हो चुका है. हालांकि सेकेंड पार्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा डेटा होना चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए. अब आपके पास एक ये पॉइंट है अगर हाउसिंग के ऊपर या मान लीजिए अर्बन प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाए तो आपके पास ये पॉइंट है कि भाई अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतने हाउसेस कम हैं, हाउसेस इंडस्ट्री जो है अगर 270 इंडस्ट्रीज़ को और अपने में जोड़ती है, जीडीपी का सेकंड कंट्रीब्यूटर है आफ्टर हाउसिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सेकंड कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का एग्रीकल्चर के बाद में, और डायरेक्टली सीधे इकोनॉमी को सीधे लेकर के ऊपर लेकर के जा सकती है, ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में डाल देती है इकोनॉमी को. और अगर हाउसिंग या कह लीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा चल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो ओवरऑल कॉरपोरेट सेक्टर है वो अच्छा चल रहा है क्योंकि स्पेस, ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की अच्छी तरीके से चल रही है. दूसरा, इन सब का सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने के साथ साथ जो अदर्स प्रोग्राम है उनके साथ अगर कन्वर्जेंस कर दिया जाए तो विन विन सिचुएशन ये हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चार पांच पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कोई भी चीज़ एक अच्छा सारगर्भित एक उत्तर बना करके दे सकते हैं. तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी. आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.